हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने और प्रॉपर डाइट में फलों का अच्छा खासा रोल है। इनमें भरपूर विटामिन्स, मिनरल्स और कैल्शियम होता है, जिसकी वजह से ही हमारी बॉडी को फिट बनाए रखने में मदद करता है। वैसे तो फल हों या सब्जियां, सभी को धोकर उन्हें खाने की सलाह दी जाती है, पर अक्सर आपने देखा होगा कि लोग बिना धोए ही फलों को खा लेते हैं। हाल ही में एक मामला अमेरिका से सामने आया, जहां एक साथ 46 लोगों को उल्टी और डायरिया की परेशानी देखने को मिली। डॉक्टर्स का कहना है कि सभी ने गंदे फलों का सेवन कर लिया था। तो क्या बिना धोए फल खाना इतना डेंजरस हो सकता है? चलिए आज की वीडियो में जानते हैं। हेलो एंड वेलकम यू ऑल, दिस इज मी कृतिका। देखिए जी हाँ, फलों को बिना धोए खाना या गंदा पानी पीने से हमें डायरिया हो जाता है, पर एक से ज्यादा बार और लगातार डायरिया होना और भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इससे हमें सॉल्मोनेला इन्फेक्शन हो सकता है। सॉल्मोनेला इन्फेक्शन नॉर्मल बैक्टीरियल इन्फेक्शन ही है जो हमारी इंटेस्टाइन को प्रभावित करता है। ये बैक्टीरिया इंसान और जानवरों के आंतों में रहता है, जो संक्रमित व्यक्ति के मल के जरिए फैलता है। साल्मोनेला बैक्टीरिया से संक्रमित पानी पीने या खाना खाने से लोग इसका शिकार हो जाते हैं। छोटे बच्चों और बुजुर्गों में इस बैक्टीरियल इन्फेक्शन का खतरा बहुत ज्यादा होता है। एक्सपर्ट्स के अनुसार शौचालय का इस्तेमाल करने या बेबी डायपर बदलने के बाद हाथ ठीक से अगर न धोए जाएं तो हम इस संक्रमण की चपेट में आ सकते हैं। तो इस बात का खास तौर से ध्यान रखें। साथ ही साल्मोनेला इन्फेक्शन के लक्षण भी कुछ होते हैं, जैसे इसके लक्षण नजर आने से कुछ घंटे से लेकर 2 से 3 दिन तक इसमें आपको वक्त लग सकता है। कुछ साल्मोनेला इन्फेक्शन टाइफाइड फीवर की वजह से भी बन सकते हैं। ये लक्षण कैसे कैसे होते हैं, चलिए वो भी आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहला है उल्टी आना, यानी लगातार आपको उल्टी आने जैसा लगने रहता है। सिर दर्द होता है, बुखार होता है, मल में खून आना, साथ ही साथ ठंड लगना और पेट के निचले हिस्से में दर्द जो है वो सभी इसके लक्षण है। वैसे कुछ लोगों में कई बार लक्षण नजर भी नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी वो इस इन्फेक्शन का शिकार हो जाते हैं। अब इसको ठीक करने के लिए भी क्या क्या आप उपाय कर सकते हैं, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, अगर आपका कोई भी करीबी या जो पेशेंट वो इस इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है, तो कोशिश करें कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड दे सकें, खासकर इलेक्ट्रोलाइट्स, और बाकी पेट दर्द या विटामिन्स के लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। बहरहाल अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। और भी ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।